नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। आज गांव डंडूर में शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी SBSL द्वारा जो है गांव में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है और यहां पर जो इनके जो SBSL के जो प्रेसिडेंट है HS राजेश, हम उनसे ही बातचीत करेंगे और यहां पर इन्होंने लगाया कि युवा चेतना मशाल जुलूस एक गांव में जो डंडूर में निकाला जा रहा है और यहां पर स्लोगन वगैरह भी काफी लिखे हुए हैं। नहीं सहेंगे शोषण और अत्याचार, अब की बार हम सभी तैयार, अब हम युवाओं की बारी है, महापरिवर्तन की तैयारी है। तो जानते हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन जो है ये चाहते हैं और क्या ये इनका कारण है मशाल जुलूस जो गांव डंडूर में निकालने का, किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को लेकर जो है गांव डंडूर में मशाल जुलूस जो यह है निकाला जा रहा है। हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार, ये जो मशाल जुलूस आज आप गांव डंडूर में निकाल रहे हैं, किन बातों को लेकर जो है मशाल जुलूस निकाला जा रहा है? और जैसे कि आपने स्लोगन वगैरह लिखे गए हैं कि ग्रामवासियों का नारा है, अब ये वक्त हमारा है, आओ मिलकर करें महापरिवर्तन, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले आपका, आपके चैनल का शुक्रिया इस बात को दूर तक पहुंचाने के लिए। मेरा नाम HS राजेश है और SBSL शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी डंडूर जो गांव है उसका वाइस प्रेसिडेंट मैं हूं और ये मेरे साथी एक तरह से स्टाफ मेंबर जितने हम कहेंगे वो मेरे साथ हैं, बहनें भाई सब मिलकर के। आपका जो सवाल है कि क्या संदेश की जरूरत पड़ी, क्यों हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, अभी हम एक आज का दिन था संडे को कि हमने निश्चित किया था कि हम विचार गोष्ठी रखेंगे और देश की समस्या का मूल कारण और उनका निवारण, इस बात पे हम अभी पूरा विचार गोष्ठी हमने संपन्न किया है और जिसके तुरंत बाद एक मशाल जुलूस हम निकाल रहे हैं। हम मशाल जुलूस के जरिए इस गांव के युवाओं को और इस गांव के ही जरिए हम दूसरे गांव के सभी गांव के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो किताबों से और एक्सरसाइज करने से तैयारी करे, उससे दोस्ती करे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, अपने अंदर मान मर्यादा नैतिकता मूल्य प्रयोग अच्छे मूल्य पैदा करे और एक अच्छा इंसान बनने की वो कोशिश करे। हमारे जो महापुरुष आजादी आंदोलन के जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग और राजा राममोहन रॉय जैसे लोग जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ा और आजादी आंदोलन के जो गैर समझौतावादी धारा के खास करके जो नौजवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे जो लोग और मदनलाल धिंगड़ा जैसे लोग जिन्होंने, शहीद उधम सिंह जैसे लोग जिन्होंने कुर्बानियां देके इस खून पसीने से इस धरा को सींचा, आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार किस तरह से मूल अधिकार को छीना जा रहा है, उस बात पे हमें सबने डिस्कस की और इस बात के जरिए हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी युवाओं को आज एकत्रित होकर अपनी कॉन्शंस से, अपनी चेतना से, क्योंकि आज का जो यूथ है ये समझ नहीं पा रहे किस गफलत में सो रहा है, केवल एक नौकरी नौकरी के पीछे करते करते पूरी जिंदगी को खपा रहा है, उसके जरिए वो देखना चाहिए कि नौकरी का संबंध सीधा सीधा केवल इस बात से नहीं है कि पढ़ लिया तो नौकरी मिल जाएगी। तो उनसे हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी मिलकर इस महापरिवर्तन में तैयार है। गांव के युवाओं से कहूंगा मैं खास करके SBSL लाइब्रेरी से जुड़े, शिक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमें निसंकोच आप कॉल कर सकते हैं और इस तरह की विचार गोष्ठी का आयोजन, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि अभी हम अगला सवाल करेंगे कि हम अब हम युवाओं की बारी है और एक आओ मिलकर करें महापरिवर्तन, इसके बारे में हम ये गांव के युवा हैं इनसे भी बातचीत करते हैं कि भी क्या मामला है। हाँ जी बताइए बेटा। मेरा नाम है अशोक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा नीति है उनके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं और जो ये हमारे युवाओं को ऐसा है कि कुछ बहुत से युवा आजकल नशे की लतों में पड़े हुए हैं, तो उनको नशे जो पहले खराब हो चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए युवा हैं उनको हमें बचाना है, हमारी नींव को हमें बचाना है। तो इसलिए हमने ग्राउंड लेवल पर एक तो जिम खोली है और दूसरा लाइब्रेरी बनाई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे टीम के सदस्य बने बढ़े और हम अगली आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। मेरा नाम मनीष है और मैं SBSL का एक सदस्य हूँ और आज का जो हमारा मोटिव रहा वो रहा कि आज हम गांव के अंदर निकले हैं एक नई सोच और नए परिवर्तन को लेके, ताकि गांव के अंदर जो नशा जो लोगों को एक दिमाग की तरह खा रहा है और अलग अलग जो पहलू है जिन पे हमने आज बहुत ज्यादा चर्चा की उनको बहुत विस्तार से हमने आज विश्लेषण किया उसका जाना, और वहां तक हमने जो पाया है कि गांव के अंदर जो युवा है, जो एक एज होती है 16 या 14 से जो पहले की एज है वहां से लेके जो 30 तक की एज है, उसके अंदर जो युवा के अंदर नशा और जो अशिक्षा का जो दौर जो हमें देखने को मिल रहा है उसको हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं और उसको लोगों को कैसे हमारे संगठन के अंदर हम जोड़ सकते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा और एक अच्छा मोटिव उनको मिल सके, ताकि उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके। गांव के अंदर जो अपराध है वो ज्यादातर नशे को लेकर होते हैं, जो गांव के अंदर चोरियां वगैरह वगैरह है नशे से ही रिलेटेड है। जब एक युवा को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो वहां पे कुछ
परसेंटेज में बढ़ जाता है कि वहाँ पे गांव के अंदर जो वहाँ का सुख सुविधा है, वहाँ का जो स्वास्थ्य है और गांव के अंदर जो अलग अलग जो पहलू है उनकी समस्याओं को हल करने का कुछ ना कुछ हमें इसका वो मिलेगा, सहायता मिलेगी। और मेरा उन सभी युवाओं से यही निवेदन है कि अगर आप नशा के अंदर आप जा चुके हैं तो प्लीज आप अपने आप को पहले उसको छोड़ने का प्रयत्न करें। नहीं छोड़ा जा रहा तो हमारे गांव के अंदर SBSL एक हमारा एक लाइब्रेरी है, संगठन है, आप उसको एक बार आए विजिट करें, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। और जब तक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉब्लम आपकी खत्म नहीं होगी। तो सभी साथियों आपने देखा कि सबने अपने अपने विचार रखे और आगे भी हम इनसे पूछेंगे क्या ये किस प्रकार के कार्य जो है गांव में। तो HS राजेश जी आगे आप मान ले अपने SBSL के तहत जो बैनर के तले आप किस प्रकार के कार्यक्रम जो आगे करते रहेंगे गांव में। जी बहुत वाजिब सवाल है। मैं जो हमने जो शुरुआत की है हम सभी युवाओं ने मिलकर, हमने जो एक छोटी सी जो पहल की है, इनिशिएटिव जो लिया है, उसमें हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े। और जब कहते हैं कि एक उंगली की जो ताकत है ना वो उससे कई गुना ज्यादा है इन पांच उंगलियों के जुड़ने के बाद की ताकत, तो हम इन पांच उंगलियों की तरह जुड़े हैं और जुड़ के युवाओं का मतलब जब मैं कह रहा हूं तो लड़की और लड़का दोनों कह रहा हूं, तो लड़का और लड़की दोनों मेरे जो भाई और बहने हैं वो सब मिलकर के और इस परिवर्तन को अंजाम देंगे। महापरिवर्तन हमने कहा है, महापरिवर्तन इसलिए कि जब जब आप देखिए हिस्ट्री में जब जब यूथ की ताकत जागी है, चाहे वो मैजिनी गैरिबाल्डी कितने मैं बताऊं किसी भी देश की क्रांति की आप बात कीजिए, जब जब युवा ताकत जागी है तब तक परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। और जो ताकतें इनको रोकती है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि भूकंप को कभी भी दीवार बनाकर नहीं रोका जा सकता। तो युवा के अंदर जो ताकत है वो भूकंप जैसी ताकत है और उस ताकत को दीवार से नहीं रोका जा सकता, वो आके ही रहेगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो हम इसको सहन कतई नहीं करेंगे। और प्रोग्राम की जहां तक बात है, सीरीज ऑफ प्रोग्राम युवाओं को कोई भी आर्थिक सहायता तक मैं कहता हूं, अगर उनको जरूरत पड़े, कोई बच्चा लायक है पढ़ना चाहता है, अगर उसको पढ़ाई के लिए कोई समस्या आ रही है तो हमारे से बेधड़क आके कंसर्न करें, मिले, एक बात। दूसरी, पुस्तक के मामले में कभी भी लाइब्रेरी के अंदर आके पुस्तक ले जा सकता है, वहां जाके पढ़ने की बैठ के पढ़ने की पांच चार सीटें हैं, वहां बैठ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, जिम है, जिम के अंदर कभी भी आए, नो प्रॉब्लम। चौथी बात, हम फ्री में अभी कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, निकट भविष्य में हो सकता है वो मिलेगी। और वो हम काम कर रहे हैं कि युवाओं को इस तरह से आगे लाया जाए, उनको इनहेंस किया जाए, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जाए और किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम युवाओं के हर तरीके से साथ खड़े हैं और समझदार युवाओं को बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा खास करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गांव को बचाने के महाअभियान में वो साथ आए, तन मन से साथ आए। थैंक यू। तो देखा साथियों, जैसे कि HS राजेश जी ने बताया कि हर मुद्दे पर जो है हम गांव में काम करेंगे और खास करके युवाओं पर जो है हम काम करेंगे कि जो नशे में जो है दलदल में फंस रहे हैं किसी प्रकार से, जैसे कि ग्रामवासियों का नारा है अब ये वक्त हमारा है, बहुत हुआ ये शोषण और अत्याचार, अब की बार हम सभी तैयार, बहुत हुआ ये शोषण और अत्याचार, अब की बार हम सभी तैयार, बहुत हुआ ये शोषण और अत्याचार, अब की बार हम सभी तैयार। अब हम बात करें कि शोषण और जो अत्याचार का जो स्लोगन इन्होंने लगाया है उस बात पे भी हम चर्चा करेंगे इनकी वजह से। बेटा, ये जो ये आपने स्लोगन लगाया कि भी नहीं सहेंगे शोषण और अत्याचार, तो मतलब आज किस प्रकार का जो ये मसाल जुलूस आप लोग गांव में निकाल रहे हो? और शोषण और अत्याचार की जो बात है, आजकल हम आए दिन देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ में भी शोषण होता है और मतलब जाति धर्म पे भी कहीं ना कहीं अत्याचार खूब हो रहे हैं देश में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है जो आप ये जो मसाल जुलूस निकाल रहे हो और इसमें स्लोगन भी आपने लगा रखा है? हम ये इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में मसाल जुलूस कर रहे हैं कि जो ये गांव में नशाखोरी है और महिलाओं पर बढ़ते अपराध है, इनका मतलब ठीक इनका रोका जाए, इसलिए मसाल जुलूस कर रहे हैं। और भी अनेक समस्याएं हैं मजदूरों की, इनका जो हक जो खा रहे हैं इनका कोई भी है और काम कोई कर रहा है और मजदूरी कोई खा रहा है या फिर अलग और भी अलग मामले हैं, इनके अलग अलग दर्जे के शोषण है, इन सभी को रोकने के लिए हम महापरिवर्तन के लिए गांव में जागरूक करने के लिए मसाल जुलूस कर रहे हैं। और अनेक स्कूल में ये शिक्षा की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे गांव में, खास करके स्कूल को अच्छा बनाने के लिए, गांव को अच्छा बनाने के लिए, हर समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि हमारे SBSL इसमें टीम में सदस्य बढ़े और शामिल हो हमारे साथ, ताकि अच्छा जल्दी से मतलब एक अच्छा संदेश लोगों तक जाए, परिवर्तन करने के लिए। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे थे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।